नमस्कार, पिताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम का हलवा। बादाम का हलवा बनाते समय हमें चाहिए 1 कप बादाम। इसे हमने 5-6 घंटे भिगो के ले लिया है। अगर आपके पास 5-6 घंटे भिगोने का समय नहीं है तो आप इसे हल्के गर्म पानी में भिगो कर भी ले सकते हैं। 1/2 कप शक्कर, इसमें से 1 to 2 स्पून शक्कर हमने निकाल ली। 1/2 कप दूध, 3/4 कप घी एंड 5-6 बादाम की कतरन बादाम का हलवा डेकोरेट करने के लिए। ये हमने सभी बादाम छील लिए हैं। अगर आपसे बादाम छीले नहीं जा रहे हैं तो आप इसको हल्के गुनगुने पानी में गर्म करके ले सकते हैं, तो आपसे बहुत आसानी से छीले जा सकते हैं। अब हम इन बादामों को दरदरा पीस लेंगे। इसमें हम ये हमने जो 1/2 कप दूध लिया था इसका 1/4 कप दूध हम इसको पीसते टाइम डाल देंगे और 1/4 कप दूध हम बचा लेंगे। इसको रुकते रुकते पीसना। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस शक्कर को हम इस 1/4 कप दूध में भिगो लेंगे जिससे कि शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम एक पैन लेंगे। इस पैन में हम 1/2 कप घी डालेंगे और 1/4 घी बचा लेंगे। पैन मोटे तवे का लीजिएगा जिससे कि बादाम का हलवा नीचे चिपके ना। अब इस पैन में घी गर्म होने के बाद हम इसमें बादाम ये धरधरा पिसा हुआ बादाम का हलवा डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें सेकना है जिससे कि ये नीचे चिपके ना। अगर आपने इसको बीच में छोड़ दिया तो ये नीचे तले पे चिपक सकता है। हमने 10 से 12 मिनट तक इस हलवे को सेक लिया है और इस हलवे का कलर भी चेंज होने लगा है और इसकी बहुत बढ़िया सुगंध आ गई है। अब हम इसमें जो हमने शक्कर और दूध भिगोया था अब वो हम इसमें डालेंगे। अब हम इसको तेज फ्लेम पे चलाएंगे जिससे कि इसका दूध जल जाएगा और शक्कर इसमें अच्छे से मिल जाएगी। इसको 2 मिनट तेज आंच पर चलाने के बाद अब हम जो बचा हुआ घी 1/4 घी है अब वो हम इसमें डाल देंगे और फिर से हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे चला लेंगे। लगातार 2 मिनट चलाने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसे बादाम की कतरन से सजा लेंगे। ये रेडी है हमारा डिलीशियस बादाम का हलवा। ये 7 दिन तक फ्रीज में स्टोर करके एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं और अगर फ्रीजर में रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और ये 15 दिन तक फ्रीजर में स्टोर करके रखा जा सकता है और ये घर में 4 से 5 सदस्यों के लिए काफी होगा।